हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे वो है लीनियर लेआउट इन एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट क्या होता है और लीनियर लेआउट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए लीनियर लेआउट की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। अब अगर मैं लीनियर लेआउट की डेफिनेशन की बात करूँ तो लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है जो कि अपने अंदर कंटेंट व्यूज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करता है। अब व्यू ग्रुप को डिफाइन कर लेते हैं। व्यू ग्रुप एक ऐसा व्यू होता है जो कि अपने अंदर डिफरेंट व्यूज़ को कंटेन कर सकता है। तो लीनियर लेआउट एक व्यू ग्रुप है, या आप इसको कह सकते हैं कि लीनियर लेआउट एक कंटेनर व्यू है जो कि अपने अंदर डिफरेंट व्यूज़ को प्लेस करता है और उन व्यूज़ को हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली डिस्प्ले करता है। तो चलिए अब हम लीनियर लेआउट को प्रोग्रामिंग के थ्रू समझते हैं। मैंने एक प्रोजेक्ट ऑलरेडी सेटअप कर लिया है। इस प्रोजेक्ट में आपको दो फाइल्स नज़र आ रही हैं, एक है मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल और एक है एक्टिविटी अंडरस्कोर मेन डॉट एक्सएमएल फाइल। तो चलिए लीनियर लेआउट को डिफाइन करते हैं। एंड्रॉयड प्रोग्रामिंग में हम जो यूज़र इंटरफेस है वो एक्सएमएल फाइल के अंदर डिफाइन करते हैं। तो चलिए एक्सएमएल फाइल को ओपन करते हैं। ये हमारे सामने एक्सएमएल फाइल है एंड इसमें आपको दो पार्ट्स नज़र आ रहे होंगे। एक पार्ट में आपके मोबाइल की स्क्रीन है जिसके ऊपर आपको एक हेलो वर्ल्ड का टेक्स्ट नज़र आ रहा है और दूसरे पार्ट पे जो है वो ये आपके लेआउट्स डिफाइन हुए हुए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कंस्ट्रेंट लेआउट है और टेक्स्ट व्यू है। कंस्ट्रेंट लेआउट को हम आगे की वीडियोस में देखेंगे, फिलहाल इस सब को मैं हटा देता हूँ और यहाँ पर हम लीनियर लेआउट को डिफाइन करते हैं। लीनियर लेआउट को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पर ओपनिंग टैग यूज़ करेंगे और हम यहाँ पर टाइप करेंगे लीनियर लेआउट। इस टैग को मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये आपके पास लीनियर लेआउट का ओपनिंग टैग है और ये आपके पास लीनियर लेआउट का क्लोजिंग टैग है। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमें हर व्यू ग्रुप के साथ सेट करनी पड़ती हैं। एक है लेआउट हाइट जिसको हम मैच पेरेंट सेट करेंगे और एक है लेआउट विड्थ जिसको हम मैच पेरेंट सेट करेंगे। अब लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ क्या होती है? लेआउट हाइट आपके व्यू ग्रुप की हाइट है और लेआउट विड्थ आपके व्यू ग्रुप की विड्थ है। लेआउट हाइट और लेआउट विड्थ हमने मैच पेरेंट सेट कर दिया है। मैच पेरेंट क्या होता है इसको हम आगे के वीडियोस में देखेंगे, फिलहाल के लिए आप इसको मैच पेरेंट ही सेट कर दीजिए। अब हमने लीनियर लेआउट की डेफिनेशन में देखा कि लीनियर लेआउट एक ऐसा व्यू ग्रुप है जो कि अपने अंदर डिफरेंट व्यूज़ को कंटेन करता है और उनको हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली अलाइन करता है। तो चलिए हम लीनियर लेआउट के अंदर कुछ डिफरेंट व्यूज़ डिफाइन करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपके सामने एक बटन डिफाइन करता हूँ और इस बटन की हम कुछ प्रॉपर्टी सेट कर लेते हैं, इसकी विड्थ और इसकी हाइट हमने रैप कंटेंट सेट कर दी है। अभी आपके सामने एक बटन डिस्प्ले होना शुरू हो गया है, इसको हम थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। अब इस बटन का हम टेक्स्ट सेट करते हैं, इसको हम बटन वन कह देते हैं और इस बटन को थोड़ी सी पैडिंग और मार्जिन सेट कर देते हैं, इसको हम मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 16 डीपी का और मार्जिन टॉप दे देते हैं 20 डीपी। अब इसी तरह से एक और बटन डिफाइन करते हैं, इस बटन की भी हम विड्थ और हाइट सेट कर लेते हैं, रैप कंटेंट हाइट रैप कंटेंट, और इस बटन का हम टेक्स्ट सेट करते हैं बटन टू। इस बटन को भी हम मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं 16 डीपी, मार्जिन इसको टॉप दे देते हैं हम 16 डीपी और इसको मार्जिन राइट हम दे देते हैं 16 डीपी। अब ये आपने देखा कि दोनों बटन हॉरिजॉन्टली अलाइन हुए हैं। अब अगर हमने इनको वर्टिकली अलाइन करना है तो हम लीनियर लेआउट की एक प्रॉपर्टी सेट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में आप दो ऑप्शंस देख सकते हैं, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। हम इसको वर्टिकल सेट कर देते हैं तो ये देखिए आपके पास दोनों बटन्स वर्टिकली अलाइन हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमने लीनियर लेआउट डिफाइन कर दिया है जो कि अपने अंदर दो बटन्स को कंटेन कर रहा है और दोनों बटन्स को वो हॉरिजॉन्टली अलाइन कर रहा है।
तो चलिए अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। हमने प्ले के बटन पर क्लिक किया और हमारा प्रोग्राम रन हो चुका है। अभी आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये हमारा लीनियर लेआउट है और इस लीनियर लेआउट के अंदर दो बटन्स हैं जो कि हॉरिजॉन्टली डिस्प्ले हुए हुए हैं। आगे के वीडियोस में हम देखेंगे कि लीनियर लेआउट में और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा हम रिलेटिव लेआउट और कंस्ट्रेंट लेआउट को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।